देखो इंडिया में एसयूवी सेगमेंट की क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2021 में बहुत सारे एसयूवी कारों को लॉन्च किया गया माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में, इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भी हमें अच्छी अच्छी कारें देखने को मिल गई और सेवन सीटर एसयूवी सेगमेंट में भी कुछ कारों को लॉन्च किया गया, जैसे कि टाटा की सफारी हो गई, इसके अलावा एक्सयूवी 700 हो गई। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको इंडिया में 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इनकी कीमत 10 लाख रुपए के अंदर ही रहने वाली है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा एसयूवी सेगमेंट में, वो है हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल। रिसेंटली इसको एक ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था और जो 2022 का मॉडल है क्रेटा का, उसके अंदर काफी बड़े अपडेट्स करे गए हैं इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर लुक आपको कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। यानी इसका फ्रंट फीशिया काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है ट्यूसॉन से, जो कि प्रीमियम एसयूवी कार है, और इसके फ्रंट फीशिया में अब आपको नई ग्रिल्स मिलेगी, इसके अलावा नया लाइटिंग सेटअप भी मिलने वाला है। वही इसके रियर के फीशिया में हमें नॉर्मल से अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। हुंडई कंपनी क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को इंडिया में मार्च 2022 तक लॉन्च कर सकती है। हालांकि इसको पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है और इसकी कीमत 10 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वो है मारुति सुजुकी एसक्रॉस का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि एसक्रॉस हैचबैक कार है या फिर एसयूवी कार है। इसके ऊपर मैंने भी थोड़ी बार रिसर्च की और ये पता चला कि ये एक मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी कार है। इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स करे गए हैं 2022 वाले मॉडल के अंदर, क्योंकि जो प्रीवियस मॉडल था उसका जो सेल्स रिपोर्ट था वो बहुत ज्यादा डाउन आ चुका था, मतलब वो तो खत्म ही होने वाला था। इसलिए मारुति सुजुकी कंपनी ने इसका अपडेट लाया है। इसका फ्रंट फीशिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फ्रंट फीशिया को कम्प्लीटली चेंज किया है। इसके अंदर आपको नए ग्रिल्स मिलेंगे, नया लाइटिंग सेटअप आपको मिलने वाला है। हालांकि इसके अंदर अब मारुति सुजुकी कंपनी कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अच्छे खासे फीचर्स नई एसक्रॉस के अंदर ऑफर किए जाएंगे। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी कंपनी नई एसक्रॉस को इंडियन मार्केट में मार्च या फिर अप्रैल 2022 को लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 8 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको बहुत बार स्पाइड किया जा चुका है, वो है नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा। हालांकि इसके बहुत सारे इमेजेस सामने निकल कर आए हैं, इसको टेस्टिंग के दौरान बहुत बार स्पाइड किया जा चुका है, कुछ इमेजेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इसके अंदर भी बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे इंटीरियर में एक्सटीरियर में। नई ब्रेजा को इंडिया में अगले 1-2 महीने के अंदर रिवील किया जाएगा, उसके बाद इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू होगी बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है लेकिन इंडिया में लॉन्च करना बाकी है, वो है मारुति सुजुकी की जिम्नी। हालांकि ये एक ऑफ रोडर कार है, इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में थार के साथ होता है, इसके अलावा फोर्स की गुरका के साथ भी इसका मुकाबला है। इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है, मतलब जो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होना है उस मॉडल को ऑटो एक्सपो में शोकेस भी किया जा चुका है। मारुति सुजुकी कंपनी इस कार को अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। नई स्कॉर्पियो को इंडिया में जून 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 10-10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। तो यहाँ पर ये 5 कारें इंडियन मार्केट में अगले साल लॉन्च होने वाली है और ये सभी एसयूवी कारें होने वाली है। इनमें से आप किस एसयूवी कार का इंतजार कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।